अगला हमारा कार्य पत्रक चार है, कक्षा आठ प्रखर गणित कार्य पुस्तिका का। इसमें दक्षता है चार अंकों तक की संख्याओं के जोड़ व घटाव की समझ बना पाना, हम जोड़ घटाव सीख पाएंगे। नीचे दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों में सही संख्याएं लिखी, जैसे यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार लिखा हुआ है, जोड़ना है। साथ में चार और सात जोड़ेंगे कितना होगा, अभी ग्यारह, हासिल एक चली जाएगी इधर। आठ में एक जोड़ दिया नौ हो गए, नौ में और क्या जोड़ा जाएगी, तेरह संख्या हो जाएगी। नौ में क्या जोड़ोगे भी आप, चार जोड़ोगे, आठ चार बारह, एक कितना हो गया अभी तेरह, तेरह के तीन आ गए, हासिल एक चली जाएगी। इस प्रकार लिखना है आपको। अब सात अच्छा कितने होते हैं अभी, तेरह, एक ये जुड़ गया चौदह, फिर हासिल इधर चली जाएगी, तीन दो पांच और एक हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अभी, छह। उसी प्रकार ये देखो भी, यहाँ पर भी जोड़ करना है, सात चार कितना होते हैं अभी ग्यारह, हासिल इधर जाएगी। अब देखो भी यहाँ पर क्या संख्या लिखी जाए कि तीन आए, देखो भी आप यहाँ पर भी एक लिख दो, यहाँ पर भी क्या लिख दो भी एक लिख दो, एक एक दो एक कितने होगी भी तीन, चार में क्या जोड़ा जाए भी चार हो जाए, शून्य जोड़ दो चार हो जाएंगे, छह में दो जोड़ने में कितना होगा भी आठ। अगर ज्यादा अंक लिखोगे तो आपको यहाँ पर तेरह आना चाहिए, फिर हासिल इधर जाएगी, हासिल जाएगी तो फिर यहाँ पर चार से ज्यादा हो जाएगी तो गलत हो जाएगा, तो आप एक एक ही लिख सकते हो। यहाँ पर देखो चार सात इतना होते ग्यारह, हासिल इधर चली जाएगी। अब आठ और एक नौ तो हो गए, यहाँ पर क्या लिखा जाएगी तीन आए, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने को चार, आठ चार बारह, एक तेरह, हासिल एक, फिर एक ऊपर चला जाएगा। अब क्या जोड़ा जाएगी यहाँ पर कितना आ जाए भी दो आ जाए, तो यहाँ पर तो आप क्या करो भी यहाँ शून्य कर दो, यहाँ पर क्या कर दो भी एक कर दो, एक और एक कितने हो गए भी दो, चार दो कितने हो गए भी छः। अब ज़्यादा भी कर सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर छः कर सकते हो, यहाँ पर पाँच कर सकते हो, छह पाँच करोगे कितना होगा भी ग्यारह, एक जोड़ दोगे बारह, हासिल एक इधर चली जाएगी, तो यहाँ पर चार दो छह एक सात कर दोगे यहाँ, वो आपकी मर्जी है। अगला देखो भी, दो और पाँच सात होते हैं, यहाँ पर क्या संख्या लिखी जाए कि यहाँ पर दो आ जाए। अगला भी आपको चेक करना है, नौ और दो कितने होते हैं, ग्यारह होते हैं, अपने को यहाँ पर एक हासिल लेके आनी है, ये भी देखना, इसमें ये भी जरूरी है कि आपको एक इधर हासिल भी लेके आनी है। अब ऐसी संख्या लिखो यहाँ पर बारह हो जाए जोड़, यहाँ पर लिख दो आप है छः छः लिख दो, छः छः बारह, हाँ सिलेक चली गई, सात पाँच लिख दो बारह, आठ चार लिख दो बारह, नौ तीन लिख दो बारह, आपकी मर्जी है वो, पर यहाँ पर योग बारह आना चाहिए, बारह का दो लिखेंगे एक ऊपर चले जाएगा, नौ दो ग्यारह एक बारह, फिर दो आएगा यहाँ पर, फिर हासिल चली जाएगी, पाँच दो सात एक कितना हो गया अभी आठ। अगला अंक का जोड़ भी आप देखना, आठ दो कितने होते हैं अभी, ये घटाव है यहाँ पर, क्या अभी घटाव आ गया, दो में से आठ जाते नहीं, इधर से इसने हासिल ली, यहाँ हो गई बारह, बारह में से आठ गए बच गए चार। अब यहाँ पर क्या संख्या लिखी जाए, सात घटाने पर दो बचे, सात घटाने पर कितने बचे अभी दो बचे। अब देखो कौन संख्या लिखोगे अभी, यहाँ पर होना चाहिए नौ, नौ में से सात जाने पर कितना बचना बचता है अभी दो बचता है, तो इधर से हासिल तो लेनी पड़ेगी इसको, बार हमने इधर से हासिल ली, यहाँ पर एक संख्या बड़ी, इधर से हासिल ली, यहाँ पर एक बड़ी है, यहाँ पर हम लिखेंगे शून्य, क्या लिखेंगे अभी शून्य, शून्य से इधर हासिल ले गए, पहले इसने इससे हासिल ली, इसने इसको दी, यहाँ पर दस हो गई, शून्य कितने हो गई दस, दस में से एक ये ले गया, यहाँ बचे नौ, और नौ में सात जाने पर कितने बचते हैं अभी दो बचते हैं। अब देखो भी यहाँ पर ऐसी संख्या लिखो कि छह घटाने पर सात बच जाए, क्या लिखोगे भी, यार एक इधर हमने हासिल दे दी वो भी कम करनी है, ये भी ध्यान में रखना आप। जैसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भी, पांच लिखेंगे तो पंद्रह हो गए, एक हासिल दे दी चौदह बचे, चौदह में से छह गए आठ बच गए, यहाँ पर आप चार लिख दो, कितना लिख दो भी चार, इधर से हासिल ली यहाँ हो गए चौदह, चौदह में से हमने इधर हासिल दे दी, यहाँ पर बच गए तेरह, तेरह में से छह गए सात बच गए, यहाँ पर बच्चे हुए कितने भी सात, सात में से पांच गए दो बच गए, क्योंकि हमने इधर हासिल दे दी थी, यहाँ पर चौदह चार है, चौदह चार का बना चौदह, दोबारा समझ सकते हो,
ऐसे यहाँ पर पहले हंसी ली इसने, इससे ली, यहाँ सात बचे, यहाँ चौदह हो गए, चौदह से इधर हंसी ले गए तो यहाँ बच गए तेरह, कितने बच गए अभी तेरह, यहाँ पर ये इधर ले गया तो यहाँ पर बच गए नौ। ये और देखो सात में से नौ जाते नहीं, इधर से हमने हंसी लेनी पड़ेगी, ये इसको दो देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, हो सकता है ये इधर से ही ले ले, इधर से तो नौ नौ है, लेगा नहीं, तो यहाँ पर कितना हुआ अभी सत्रह हो गए, सत्रह में से नौ जाने कितने बचे भी आठ बच गए। अब क्या लिखा जाए यहाँ पर, जिसमें नौ घटाया जाए तो सात बचे, तो नौ इनको जोड़ो, जोड़ने से जो संख्या आएगी उससे एक फालतू लिखना है आपको, नौ सात कितना देवी सोलह, कितना देवी सोलह, तो यहाँ पर आप लिखोगे सात, क्या लिखोगे भी सात। और यहाँ पर नौ और सात कितने होते हैं अभी सोलह, एक फालतू लिखोगे सात। अब देखो भी इधर से हासिल गई, यहाँ पर हो गए सत्रह, यहाँ पर बच्चे छह, इधर हासिल दे दी यहाँ पर बच्चे सोलह, इधर हासिल दे दी यहाँ पर सत्रह हो गए, सत्रह से ये ले गया एक, यहाँ सत्रह हो गए, यहाँ पर कितने बचे भी सोलह, सोलह में से नौ गए सात बच गए, सोलह में से नौ गए सात बच गए, और छः में से पाँच गया एक बच गया। इनका जोड़ करके असंख्या लिखनी है आपको, एक इधर चला जाएगा फिर, समझ में आई बात। जैसे सात नौ, सात दो नौ होते हैं, इधर हासिल देनी पड़ेगी तो हमको एक कम लिखना है, एक जोड़ के लिखना है दस, छह सात चौदह तेरह होते हैं, एक जोड़ के लिखना है चौदह। अगला देखो अभी हल कीजिए, ये घटाओ करने, पांच में से तीन गए दो बच गए, यहाँ पर तीन है, तीन में सात जाते नहीं, इधर हासिल ली कितने गए तेरह, तेरह में सात गए, अब यहाँ पर तेरह माने जाएंगे, तेरह में से सात गए छह, यहाँ पर छह बचे, इधर से हासिल ली सोलह हो गए, सोलह में से आठ गए आठ, यहाँ पर हासिल दी हुई पांच बचे, पांच में दो गए तीन। यहाँ पर देखो भी जीरो में से नौ जाते नहीं है, अभी इधर हासिल नहीं है, इधर हासिल, इधर से हासिल लेगा, ये आठ हो गए, यहाँ से दस हो गए, दस में से ये ले गया नौ बच गए, नौ दस यहाँ पर दस हो गए, दस में से ये ले गया यहाँ दस हो गए, दस में से नौ गए एक, नौ में से दो गए सात, नौ में से तीन गए छः, आठ में से छः गए दो, एक एक कम होती जाएगी तो यहाँ पर नौ नौ बचते जाएंगे। अब समझो ध्यान से, दो में से तीन जाते नहीं, इधर से हासिल लेंगे हम, यहाँ हो गए बारह, यहाँ पर बच गए दो, बारह में से तीन गए नौ, यहाँ पर दो में से फिर तीन नहीं जाते, इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ फिर कितने हो जाएंगे बारह, यहाँ बच गए तीन, बारह में से तीन गए नौ, तीन में से छः जाते नहीं, इधर से हासिल लेगा यहाँ हो गए तेरह, यहाँ पर बचे पाँच, तेरह में से छः गए सात, और पाँच में से पाँच गए शून्य। यहाँ देखो तीन में से छः गए जाते नहीं, इधर से हासिल लेगा यहाँ कितने हो जाएंगे भी तेरह, यहाँ बच गए सात, तेरह में से छः गए सात, सात में से नौ जाते नहीं, इधर से हासिल लेंगे, इधर है ही नहीं कुछ, इधर से लेंगे, यहाँ छः बचे, यहाँ पर दस हो गए, दस में से एक ही हासिल ले गया, यहाँ नौ बचे, यहाँ हो गए सत्रह, सत्रह में से नौ गए आठ, नौ में से सात गए दो, छः में से छः गए शून्य। अब देखो इधर से हासिल इसने ली दस हुए, दस में से एक इसने इसको दे दी तो यहाँ नौ ही बचे। उसी प्रकार देखो अभी हल कीजिए, इनको जोड़ करना है आपको, छः दो कितने होते हैं अभी आठ, पाँच चार नौ, नौ दो एक तीन, नौ एक दस हासिल एक, तीन दो पाँच एक छः, चार छः दस हासिल एक, सात आठ एक नौ, जोड़ तो आप कर ही लोगे, छः पाँच ग्यारह हासिल एक, सात चार ग्यारह एक बारह हासिल एक, एक एक दो छः तीन नौ, छः पाँच ग्यारह हासिल एक, सात पाँच बारह एक तेरह हासिल एक, आठ नौ एक दस हासिल एक, चार दो छः एक सात। अब देखो घटाओ, देखो भी अब यहाँ पर देखो जीरो है, जीरो में से दो जाते नहीं, इधर से हासिल लेनी पड़ेगी, यहाँ पर भी जीरो है, इधर से हासिल ली,
यहाँ पर चार बचे, यहाँ पर दस हुए, दस में से इसने हासिल दे दी इधर, यहाँ नौ बचेंगे, यहाँ पर दस हो गए, ये इसको दे देगा तो यहाँ पर भी नौ बचेंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे भी दस हो जाएंगे। दस में से दो गए आठ, नौ में से पाँच गए चार, नौ में से पाँच गए चार, चार में से दो गए दो, आठ में से तीन गए पाँच, शून्य पाँच तीन। अब देखो इधर से हासिल लेगा ये, यहाँ कितने हो जाएंगे भी ग्यारह, ग्यारह में से दो गए नौ, यहाँ पर हासिल दे दी थी, यहाँ पर एक बच्चा, ये फिर हासिल लेगा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे भी ग्यारह हो जाएंगे, ग्यारह में सात गए चार, यहाँ पर बच्चा, यहाँ तीन बच्चे, तीन में से तीन गए शून्य, नौ में से आठ गया एक, यहाँ पर देखो अभी एक में से दो जाते नहीं, इधर से हासिल लेगा ये, यहाँ हो जाएंगे ग्यारह, ग्यारह में से दो गए नौ, यहाँ पर भी कितना बचा भी एक ही बचा, एक इसने इसको दे दिया, इधर से हासिल लेगा, यहाँ पर ग्यारह हो जाएंगे, ग्यारह में सात गए चार बचेंगे, यहाँ पर कितना बचा भी चार ही बचा, एक इसको दे दिया इसने, चार में से तीन गए एक, आठ में सात गए एक। इस प्रकार आपको बनाना है। अब इनको जोड़ करना है आपको, आठ दस सात सौ पच्चीस और नौ सौ सात का जोड़ करना है, तो आप इस प्रकार लिख लो रब कार्य में और जोड़ के आपको यहाँ लिख देना है, सात पाँच बारह हासिल एक, दो और एक तीन, नौ सात सोलह हासिल एक, आठ एक नौ, इनका जोड़ कितना हो जाएगा अभी, यहाँ पर लिख दोगे आप नौ छ तीन दो, इनका जोड़ करोगे तो आप नौ हजार नौ सौ बहत्तर आएगा, इनका जोड़ करोगे तो सात हजार सात सौ पचास आएगा। अब देखो भी इनका घटाओ करना है, घटाओ करोगे तो इकतीस सौ चार, यहाँ पर चौबीस सौ दस, यहाँ पर छः हजार में से ये चार हजार नौ सौ निन्यानवे घटाओगे, इधर से हासिल लेते जाओ तो यहाँ हो जाएंगे दस, यहाँ बचेंगे नौ, यहाँ पर नौ, यहाँ पर पाँच, एक एक कम करते जाना, यहाँ पर दस में से नौ गए एक बच्चे, नौ में से नौ जीरो, नौ में से नौ जीरो, पाँच में से गया एक, ये आपका आंसर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।